सर 1000 करोड़ रुपए कम नहीं होता। महाराष्ट्र में लोग झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, रहने को घर नहीं है। उनका 1000 करोड़ के घर की चाल का इन्होंने पैसा खाया है, लोगों की संपत्तियाँ लूटी है इन लोगों ने, शिवसेना का और बाला साहेब ठाकरे के नाम का दुरुपयोग किया है संजय राउत ने। अब इनकी धर्मपत्नी और एक बंदा और है, इनका एक भाई है प्रवीण राउत, उस पर भी पूरी इंक्वायरी आ रही है और जल्दी अरेस्ट होएगा वो भी। मगर ये आज डर उनको इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें अगर देश का जनता का पैसा को अगर मैं खाने की कोशिश करता हूँ इलीगल वे से, तो मुझे उसके लिए डरना ज़रूरी है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं मैं मोदी से नहीं डरता, मत डरो, कोई आपको डरा नहीं रहा, मगर आपको अगर गलत कर रहे हो भाई साहब तो कानून से आपको डरना पड़ेगा। पात्र जो घोटाले पर 5 साल में संजय राउत की संपत्ति 25 करोड़ की हो जाती है, भैया कौन सा कमा रहे, हमें भी बता दो, हम भी कराएं। हमें तो 10 साल हो गए जॉब करते करते, हमारे में 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं जुड़े अभी तक। संजय राउत जो हैं ईडी की कस्टडी में हैं और ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजकर बुलाया है। आइए जनता से जानते हैं कि वो इसको किस तरीके से लेते हैं। सर क्या नाम है? रामेश्वर आर्य। सर ईडी ने संजय राउत की पत्नी को जो बुलाया पूछताछ के लिए, कैसे देखते हैं? सर मैं ऐसे देखता हूँ, जब तक MBA सरकार थी इंक्वायरी तो तभी हो जानी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक प्रभाव था, वो संजय राउत और शरद पवार इनका इन्फ्लुएंस था, एजेंसियाँ घुसने से डर रही थी। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, BJP समर्थित सरकार बनने के बाद एजेंसियों को और ताकत मिल गई और हाई कोर्ट ने भी बोल दिया अब उन्हें गिरफ्तारी की इजाज़त है। तो 1000 करोड़ की संपत्ति पहले इन्होंने जब्त करी ईडी वालों ने, उसके बाद संजय राउत को अरेस्ट किया। अब इनकी धर्मपत्नी को 50 लाख का लोन मिला हुआ है, उस लोन की कोई पूछने वाला ही नहीं है सर, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई उस पर ब्याज नहीं। ऐसा लोन यार कोई हमें दिलवा दो, 50 लाख का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। सर 1000 करोड़ रुपये कम नहीं होता। महाराष्ट्र में लोग झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, रहने को घर नहीं है। उनका 1000 करोड़ के घर की चाल का इन्होंने पैसा खाया है, लोगों की संपत्तियां लूटी है इन लोगों ने, शिवसेना का और बाला साहेब ठाकरे के नाम का दुरुपयोग किया है संजय राउत ने। अब इनकी धर्मपत्नी और एक बंदा और है, इनका एक भाई है प्रवीण राउत, उस पर भी पूरी इंक्वायरी आ रही है और जल्दी अरेस्ट होएगा वो भी, ये पूरा का पूरा परिवार जाएगा। और एक और बात, उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी के नाम से 19 फ्लैट है, उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरीट सुमैया, उन्होंने FIR करवा रखी है, उसकी भी जांच चल रही है, और उद्धव ठाकरे का साला भी जेल जाएगा। इन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पाप का घड़ा भर चुका है। संजय राउत के बाद उनकी धर्मपत्नी भी जल्द जेल जाने वाली है। देखिए आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना जो है लगातार BJP पर निशाना साध रही है कि BJP की चाल है, क्या लगता है? सर BJP की कोई चाल नहीं, BJP क्या कर लेगी, आपके पास कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जाके जमानत ले लो, आप मानहानि का केस दर्ज कर लो। अगर कोई भी एजेंसी आपको पकड़ रही है तो प्रमाणों के आधार पे पकड़ रही है, आप वहाँ पे कन्विक्टेड पाए जा रहे हो। आज अनिल देशमुख जेल में है, परमबीर सिंह के ऊपर पूरे चार्ज पाए गए हैं फाइंडिंग्स, और सचिन वाजे पे भी पाए गए हैं। क्या अनिल देशमुख सिटिंग होम मिनिस्टर था क्या? नहीं था, सिटिंग होम मिनिस्टर जेल में है। 250 करोड़ रुपये का गबन पाया गया उसके नाम पर, 250 करोड़ रुपये की उसने इधर उधर गड़बड़ की है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पाया गया उसका नाम। अब शरद पवार और अजीत पवार का भी नंबर आने वाला है, इनका लवासा घोटाला है, उनका चीनी मिल घोटाला है, सर सबका नंबर आएगा। महाराष्ट्र को जिन्होंने लूटा है उन सबका नंबर आने वाला है, एक एक करके सबका नंबर आने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। देखिए ईडी जो है वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुला रही है, वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो आई है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए ये पूरा कहते नहीं, एक आदमी तो इतना पचा नहीं पाएगा, तो कभी परिवार के नाम से, आपको पता है इससे पहले भी कई उदाहरण हैं जहां एक पॉलिटिकल पोस्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले किसको, पहले अपने परिवार के नाम से कंपनियां खोलनी, फिर उनको इस ऐसे लोन दिलवाना इन आसान किस्तों पर जिसको बोला जाए, उन दिलवाना अपने अपने पद का दुरुपयोग कर
या उसके प्रभाव से। इस तरह से हमारे राजनीति में इससे पहले भी कई ऐसे कांग्रेसी नेता जो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को आगे करते रहे, और उसमें राहुल गांधी जी का परिवार भी एक बड़े आगे हैं, आपने देख सकते हैं अभी उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो ये मैं एक नॉर्मल प्रक्रिया में इसको मानता हूँ कि उनके अगेंस्ट उनको एविडेंस मिल रहे हैं तो उनके पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर कार्रवाई पूरी होती है और इसमें वो सच में जो इनके पर एलिगेशन आ रहे हैं अगर वो साबित होते हैं तो वो अंदर भी जाएंगे। तो इसमें कहीं राजनीतिक या ईडी पे सवाल उठाना ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ एक जो आजकल ड्रामा चालू है ना, एक कांग्रेस और ईडी इलेक्शन कमीशन कभी कुछ कह देते हैं उसको, ये अपनी बनाई हुई देश की बनाई हुई एक इंडिपेंडेंट और जो एजेंसी है जो जिसका काम ही जो इस तरह के जो लोग, क्योंकि लीडरों को डर कैसे होगा अगर इस तरह की संस्थाएं अगर अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। आज एक देश में एक माहौल बना है, आज कोई भी लीडर होगा चाहे वो सत्ता का है चाहे विपक्ष का है कहीं सरकार में बैठा है, उसको आज डर है और ये डर ज़रूरी है, ये कानून का डर है, ये किसी मोदी का डर नहीं है, ये अमित शाह का डर नहीं है, मगर ये आज डर उनको इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें अगर देश का जनता का पैसा को अगर मैं खाने की कोशिश करता हूँ इलीगल वे से तो मुझे उसके लिए डरना ज़रूरी है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं मैं मोदी से नहीं डरता, मत डरो, कोई आपको डरा नहीं रहा, मगर आपको अगर गलत कर रहे हो भाई साहब तो कानून से आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा है ये। तो अगर आप उसको लेकर हज़ार हज़ार करोड़ लाखों करोड़ का अगर घोटाले करने का सोचते हो भाई साहब, ये भारत बदल चुका है, ये न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया में करप्शन भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। देखिए ईडी जो है तमाम दस्तावेज उनके खिलाफ मिल रहे हैं, संजय राउत और वर्षा राउत के खिलाफ, क्या लगता है ईडी को पूछताछ करनी चाहिए या कस्टडी और बढ़ानी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए जो ईडी अपने दस्तावेज जो उनको एविडेंस मिल रहे हैं उनके अगेंस्ट उसके अनुसार वो अपनी कार्रवाई कर रही है। आज वर्षा रावत है, कल पार्टी के इन्हीं के एनसीपी के कई ऐसे नेताओं के भी नाम आने वाले हैं, जो अजीत पवार आपको इससे पहले ही आपने देखा है कई ऐसे उनके ऊपर भी एलिगेशन शुरू हो गए हैं। अब उनके ऊपर जब एविडेंस जुटाना शुरू हो जाएंगे लोग तो मुझे लग रहा है कई ऐसे बड़े नेताओं का महाराष्ट्र के, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं ये जो एक कहते हैं ना हटके, मतलब एक जो बिल्कुल विचारधारा से अपने हटकर एक एनसीपी के साथ गठजोड़ किए, ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ अपना आप बनाना, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना और पैसे इकट्ठा करना, ये यही एजेंडा रहा। आज उसी की वजह से आज उन्होंने उसका फल भी भुगता, क्योंकि आज उनकी बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना के साथ आज वो मतलब दो पक्षों में बढ़ चुकी है, और आज पब्लिक जो है आज उस पक्ष के साथ है। किन दो पक्षों में बढ़ शिंदे ग्रुप है और उद्धव सेना, उद्धव के साथ आज कोई नहीं है, इवन कि उसकी जनता तक नहीं है। आज अगर चुनाव हो जाता है तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा वहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है? नन्हे सिंह। देखिए वर्षा राउत से पूछताछ की जा रही है और ईडी जो है निशाने पर उनको ले रही, कैसे देखते हैं? एक बार बताइए, 1 करोड़ रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में पहुंच जाता है, ये कहां से आया? हमारे अकाउंट में, किसी के अकाउंट में, मिडिल क्लास के अकाउंट में अगर 20,000 रुपए आ जाता है तो उसकी शो हो जाती है, बैंक वाले उसे नोट सब कुछ भेजते हैं, और इनके में 1 करोड़ रुपए आता है, वर्षा के अकाउंट में आता है, वर्षा राउत के अकाउंट में आता है, इन्हें फिर इसका हिसाब ये देंगे नहीं। इन्होंने MBA से गठबंधन करा, दाऊद के पैकेट आया कि तुम लोग गठबंधन करो, दाऊद पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम से पैकेट आया, संजय राउत उसमें मिल के पूरा घोटाला करने लगे, नवाब मलिक उसी के ही दाऊद की ज़मीन बिकवा रहा है, वो खरीदवा रहे हैं, उसमें कमीशन खाई थी लिए, और उसका एक अनिल देशमुख वो भी घोटाले में पाए गए हैं। पात्र चौर घोटाले पर 5 साल में संजय राउत की संपत्ति 25 करोड़ की हो जाती है। भैया काउंसलर कमारे हमें भी बता दो, हम भी कराएं, हमें तो 10 साल हो गए जॉब करते करते, हमारे में 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं जुड़े अभी तक, तुम्हारे 5 साल में 25-25 करोड़ की संपत्ति एकदम इनकम कर जाए तो कहाँ से पैसा आता है? हमें पता है सांसद की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है,
उसमें खर्चे चलाओगे, बाकी सरकार फ्री दे रही है। कोई बात 1.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15-18 लाख रुपए साल हुई, 18 लाख से फिर भी 25 करोड़ रुपए नहीं होंगे 5 साल में। ये कहाँ से आ गए 25 करोड़? तुम्हें सरकार आई नहीं, जहाँ से आए भाई घोटाला करोगे, घोटाला करोगे। इन्होंने इन्होंने साधु पाल घर में साधु मारे गए थे, दाऊद से पैसा आया, इन्होंने संजय राउत ने दबाया। ये घोटाला ऐसे घोटाला संजय राउत ने करा, संजय राउत की नीयत बेईमानी की। अब हमेशा हिंदुओं के प्रति नफरत रखता है कि इसे पाकिस्तान से पैसा आएगा, वो अपने घर में आतंकवादी पाल सकता है। संजय राउत, संजय राउत एक नंबर का दलाल है। एक बात बताइए, ये वही संजय राउत है जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उसने रिपोर्ट बदलवा दी है। क्या बोल दिया था अर्णब गोस्वामी ने, कुछ बोल दिया था, यही तो बोला कि इस महाराष्ट्र की सरकार जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, उसे गिरफ्तार करा दिया। आज तुझसे हिसाब मांग रहे हैं, तुम्हारे पास ये घोटाला वाला जो पैसा आया है तो कहाँ से करा भाई, हिसाब दे दो, छुट जा आराम से। डर किस बात का, रोते किस बात को, चश्मा किस बात के चढ़ाए पर रहे हो भाई, हिसाब तो देना पड़े। जनता का पैसा है और जनता पर हिसाब लेके रहेगी। ये मोदी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। इन्हें जहाँ पे जो भी धर्म हिंदुओं का होता है उसी त्यौहार पे ये भड़काएंगे। इन्होंने अग्निपथ पे भड़काया, आगजनी लगवाई, किसी ने कोई भी लाठी चार्ज हुई नहीं करवाया। यहाँ इनके कांग्रेस की रैली में धरना होता था, हकीकत पे उस जवाब मांगते कि पुलिस का FIR नहीं कर रही है, तब भी जो लाठी भजवाते थे, धरना नहीं करने देते थे। कहीं पे कोई भी 10 आदमी धरने पे बैठ जाओ, कैसे भी देश विरोधी नारे लगाओ, तब भी तुम्हारी लाठी नहीं पड़ेगी तुम पे। मोदी ये कर रहा है, मोदी कह रहा है ठीक है सौरव, अब तुम्हें रोजगार वाली बात रही, अब कहाँ गए रोजगार, मिल गया सबको, महंगाई सब दूर हो गई, कल की महंगाई, जब महंगाई नहीं, इन्हें अपना दुखना दबाना है। कल 5 अगस्त थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बंटी बबली दोनों लोग आ गए रोड पे, क्योंकि कल 5 अगस्त थी, मंदिर पूजन हुआ था। इन्हें हिंदुओं से नफरत है कि हम सेकुलरिज्म बन जाए, पक्के वोट ले लें, हम अपने पक्के वोट ले लें और बस। और एक कांग्रेस की बोल रही थी कि पुलिस ने हमसे हमारे कपड़े फाड़े, सब फाड़े, भाई कपड़े फाड़े, बाकी बट वीडियो तुम्हारी बोलने की है, तो तुम्हारी बाकी कपड़े फाड़ने पुलिस वाले को नहीं दिखाई।